हेलो दोस्तों, आज हम यह जानेंगे कि किसी इंसान की कामयाबी के पीछे अक्सर क्या राज होता है। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट अपने हाथ के द्वारा कोई पेंटिंग या सीनरी ड्रॉ करता है तो कोई दूसरा इंसान उसको देखकर यह समझे कि मैं भी ऐसे हाथ हिलाकर सीनरी या पेंटिंग बना सकता हूँ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो सीनरी या पेंटिंग होती है वो आर्टिस्ट के हाथ में नहीं बल्कि माइंड में होती है। ऐसे ही अगर कोई इंसान कुकिंग की रेसिपी को पढ़कर किसी व्यंजन को कुक करेगा तो उसका स्वाद कतई ऐसा नहीं होगा जैसा कि एक एक्सपीरियंस्ड कुक बना सकता है, क्योंकि कुकिंग रेसिपी में जो अवेलेबल होता है वो इंग्रेडिएंट्स के थ्रू हमें पता तो चल जाता है, लेकिन जो उसे बनाने का सही मेथड होता है वो माइंड में एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। चलिए दोस्तों, एक कंसेप्ट के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स डार्विन जो कि एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि इंसान की उत्पत्ति बाकी स्पीशीज के साथ किसी एक ही समय पर नहीं हुई, बल्कि ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के सिद्धांत द्वारा प्रोग्रेस होते होते अपनी चरम सीमा तक पहुंची है। सो आइंस्टाइन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का खिताब दिया गया। थॉमस अल्वा एडिसन ने हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद बल्ब की सक्सेसफुल खोज की, जिसको कि हम सभी यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ये जो सारी पर्सनैलिटीज थी, इन्होंने सबसे पहले माइंड में इस आइडिया को क्रिएट किया, उसी के बाद वो इसको रियलिटी में कर पाए। तो आगे हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन ने कभी सोचा होगा कि साइकिल पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जा सकता है, तभी साइकिल को रियलिटी में हम बना पाए। ऐसे ही किसी ने सबसे पहले बाइक के बारे में अपने माइंड में सोचा होगा, इसलिए बाइक रियलिटी में पैदा हो गई, और ऐसे ही कार की भी उत्पत्ति हुई। और राइट ब्रदर्स ने कभी ये सोचा होगा कि क्यों नहीं इंसान परिंदों की तरह उड़ सकता, इसीलिए एरोप्लेन की जो खोज है आज राइट ब्रदर्स के नाम पर है। सो दोस्तों, क्या ये सारे लोग हमसे बहुत भिन्न थे? बिल्कुल नहीं। क्या उनके पास 3 लेग्स थी? नहीं। क्या उनके पास 2 हेड्स थे? नहीं। क्या उनके पास डिफरेंट एजुकेशन था? बिल्कुल नहीं। अगर हम आगे देखें तो ये पता चलता है कि उनके पास भी 24 आवर्स एक दिन में होते थे, हमारे पास भी वही है। तो आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो उन्हें हमसे अलग बनाती है? तो ये है उनका डिफरेंट माइंडसेट और उनका यूनिक थॉट प्रोसेस। दोस्तों, आगे प्रश्न यह पैदा होता है, क्या हम भी उन लोगों की तरह सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। आइए इस सोचने की प्रक्रिया को जानते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, इसमें हजारों तरह के सिग्नल्स भरे पड़े हैं, लेकिन इनमें से एंटरटेनमेंट या इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हमें इन सिग्नल्स के हिसाब से बाहर रिसीवर यूज़ करना पड़ेगा। या तो सुनने के लिए हम रेडियो रिसीवर यूज़ कर सकते हैं, या देखने के लिए हम टीवी रिसीवर यूज़ कर सकते हैं, या एक दूसरे से बात करने के लिए हम मोबाइल रिसीवर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ ने ये खोज कर ली है कि हमारा ये जो यूनिवर्स है, इसमें हजारों तरह के म्यूज़िक, लाखों तरह की साउंड्स भरे पड़े हैं, और इसमें विवेक का भंडार बहुत ज़्यादा है, और इसमें ज्ञान भी बहुत है, और कई तरीके के विचार जो हैं वो भी इस यूनिवर्स में बहुत मात्रा में अवेलेबल हैं। लेकिन हमें इनका फ़ायदा उठाने के लिए अपने माइंड को इनके साथ ट्यून करना पड़ेगा, ताकि वो थॉट्स हमारे माइंड में आ पाए। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि किस तरीके की थॉट्स हमारे माइंड की तरफ आकर्षित होंगी? तो आइए इसे जानते हैं। अगर मैं अपने रेडियो को 94.7 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून करूं, तो वो वही फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिग्नल उठाएगा, बाकियों को रिजेक्ट कर देगा। अब अगर मैं बात करूं माइंड ट्यूनिंग की, तो इसमें कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स आते हैं, जैसे कि बुक रीडिंग, सक्सेस स्टोरीज पढ़ना, वीडियोज़ देखना, लेकिन कभी कभी ये बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है। और नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो प्राइम है, इस साइंस को डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर 1970 के करीब खोजा था। इसके द्वारा डॉक्टर बैंडलर बताते हैं कि अगर आप अपने टारगेट को, अपने गोल्स को अच्छे से विजुलाइज कर लो। अब अच्छे से विजुलाइज करने का उनका मतलब क्या है, कि
कि आप वही इमेजेस क्रिएट कर लो जो आप अपने गोल पर जाकर देखोगे। दूसरा, आप उन इमेजेस में अपने आप को एनरोल करके देखो कि आप वहां पर पहुंच चुके हो। अब इसके बाद आप वहां पर पहुंचकर कैसे लोगों की अप्रिसिएशन को प्राप्त कर रहे होंगे, कैसे आप अपने रिवार्ड्स को एंजॉय कर रहे होंगे, उनको आप अभी से सुनना शुरू करो। और वहां पर वो सुनने के बाद आपको कैसी फीलिंग आ रही होगी, कैसे आप आत्मविश्वास का आनंद ले रहे होंगे, उन फीलिंग को भी अभी ही आपको आज में ही महसूस करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने गोल्स को आज ही देखते हो, आज ही वहां पर मिलने वाले रिवार्ड्स को सुनते हो और आज ही उन फीलिंग्स को एंजॉय करते हो, तो यकीन जानिए यूनिवर्स आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज देगा जिससे आप अपने गोल पर पहुंच सकें। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो नई अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, सक्सेसफुल रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं ऐसे ही लाइफ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर नई नई वीडियो लेकर आपके पास आता रहूँगा। अब तक के लिए धन्यवाद।